जय हिंद एवरीवन, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। मैं आई हूँ आज सबसे एक और टॉपिक पर बात करने के लिए, और आज का जो हमारा टॉपिक है फिर से एक बार इंडिया और चाइना के रिलेशंस आ चुके हैं हमारे खबरों में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। तो आज हम जानेंगे कि हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं इंडिया और चाइना के रिलेशंस में, जिसमें जो नई अपडेट आई है वो ये है कि चाइना ने हमारे तीन एथलीट्स को वहां पर पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। चाइना में एंट्री उनकी बंद कर दी गई है। तो ये पर्टिकुलर न्यूज अपडेट आया है रिलेटेड टू अभी जो हाल ही में हमारी एशियन गेम्स चल रही हैं चाइना में, जो कि हांगसू जगह पर चल रही हैं। तो वहां पर हुआ ऐसा कि हमारा जो वुशु प्लेयर्स थे, वहां के तीन प्लेयर हमारे इंडिया के, उनको पर्टिकुलरली जो प्रॉपर एंट्री डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं दिए गए। और इसके पीछे के क्या रीजंस हैं, क्या जो उन्होंने बात कही है चाइना वालों ने, ये हम जानेंगे पूरे के पूरी वीडियो में। तो बात सिर्फ इतनी सी थी कि जो हमारे तीन वुशु प्लेयर्स हैं उनको रोक दिया गया है। इसी के साथ जैसे ही ये अपडेट आया उसी के साथ ही अनुराग ठाकुर जी, जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने भी अपनी जो वहां पर वो चाइना जाने वाले थे वो विजिट इन्होंने कैंसिल कर दी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये तीन प्लेयर्स बेसिकली है कौन कौन। तो इन तीन प्लेयर्स का नाम है हमारा ओनिलो टेगा, मेपुंग लांगू एंड नेमन वांगू। ये तीनों जो हमारे वुशु टीम जो कि इंडिया रिप्रेजेंट करने वाली थी उनमें से ये तीन प्लेयर्स हैं। तो इनको बेसिकली जो बेसिक हमारे जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे, जो वीजा चाहिए था चाइना जाने के लिए, वो नहीं दिया गया है। अब हुआ क्या कि जब ये लोग अपना जो पर्टिकुलर वहां के एंट्री के लिए वीजा डाउनलोड करने लगे, उस टाइम पे इनके जो ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपरली डाउनलोड ही नहीं किए गए। इनको जो प्रॉपरली एक्रेडिटेशन चाहिए थी गेम्स के लिए वो चाइना की तरफ से इशू नहीं की गई। और ये जो एक्रेडिटेशन होती है ये ही बेसिकली जो चाइना में वीजा एंट्री के लिए उसका काम करती है। और इसके पीछे का जो रीजन सामने आया है वो ये आया है कि ये तीनों जो प्लेयर्स थे वो बिलोंग करते थे हमारे अरुणाचल प्रदेश से। और हम सब जानते हैं कि चाइना हमारे कुछ एरियाज जो आज इंडिया के एरियाज हैं उनको अपना एरिया बताता है, और वही एरिया है हमारा अरुणाचल प्रदेश भी। तो अरुणाचल प्रदेश एरिया जिसको चाइना साउथ तिब्बत भी कहता है, ये हमेशा से इंडिया और चाइना के बीच में एक हमेशा डिस्कशन का टॉपिक रहा है। चाइना कहता है ये हमारा एरिया है, लेकिन अभी तक ये इंडिया का एरिया, और इंडिया कहता है ये हमेशा से हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। तो इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से कि ये तीनों प्लेयर्स अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ये जो एरिया है ये चाइना क्लेम करता है, तो एक ये डिस्प्यूटेड एरिया है। इसकी वजह से चाइना ने इन तीनों प्लेयर्स के डॉक्यूमेंट्स को ही रोक दिया। इवन चाइना की जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट आई है हमें सामने, उन्होंने ये कहा है कि चाइना इस पर्टिकुलर एशिया गेम्स के लिए सभी मेंबर स्टेट्स को वेलकम करता है, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए लीगल आइडेंटिफिकेशन। और ये जो पर्टिकुलर एरिया है जो हमारा आज अरुणाचल प्रदेश का एरिया है उसको चाइना रिकॉग्नाइज करता ही नहीं है। ये हमारा जिस एरिया का नाम, ये जांगनान नाम से भी ये कहते हैं, ये हमारा एरिया है, इसे प्रॉपरली हम एज अरुणाचल प्रदेश जो कि इंडिया के रहा हम नहीं मानते हैं। इसलिए ये लीगली जो हम आइडेंटिफिकेशन, जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी बीच जो इंडिया का हमारा से आया, इंडिया ने कहा है कि ये बिल्कुल जो एशियन गेम्स के हमारे स्पिरिट है ये उसको भी वायलेट करता है, और बेसिकली जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अगेंस्ट भी ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है जो आप हमारे एथलीट्स के साथ कर रहे हैं जो इंडिया रिप्रेजेंट करने वहां गए थे ना। दूसरी बात ये, और ये सारी की सारी जो हमारा बात चल रहा है, हम सब जानते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर हमारा काफी समय से इंडिया और चाइना का मतभेद चल ही रहा है, मिलिट्री स्टैंड ऑफ चल रहे हैं। उसी बीच में ये एक और किस्सा आना जिसमें इंडिया के एथलीट्स को रिकॉग्नाइज करने से ही मना कर दिया, तो ये आपस में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया और चाइना के रिलेशंस ऑलरेडी खराब चल रहे हैं एलएसी के ऊपर, अब अरुणाचल प्रदेश भी इसी पिक्चर में आ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा चाइना ने कोई ऐसा कदम उठाया। इससे पहले भी जुलाई में जब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चल रही थी, चेंगदू जो एक चाइना का एरिया है वहां पर रिप्रेजेंट करने जाना था हमारी इंडिया वुशु टीम ने, उस टाइम पर भी इन्हीं तीन प्लेयर्स को रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया गया था। और इसी बीच उस पर्टिकुलर टाइम पे पूरी की पूरी इंडिया टीम को ही विड्रॉ कर लिया गया था। तो ये एक और इवेंट फिर से वापस ये रिपीट हुआ। अब इसके आगे क्या होगा, क्या हमारे इंडिया का भी, हालांकि प्रोटेस्ट हमारे इंडिया और बीजिंग दोनों जगह चल रहे हैं,
तो अब आगे देखेंगे कि इसके बाद अगले स्टेप्स हमें क्या देखने को मिलेंगे। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर न्यूज अपडेट। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे कुछ ऑनलाइन इंटरव्यू कोर्सेज। तो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको इंटरव्यू की, जो कि सारे के सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं। हर महीने हमारा बैचेस बैठते हैं, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। प्लस एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको सभी कोर्सेज की, एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, तो आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। और जब भी आप एनरोल करें तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप एक डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 ये लगाना ना भूले। जैसे ही आप इस कोड को लगाएंगे आपको मिलेगा 10% का ऑफ। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफ कैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।